पहली इस तरह की नशस्त है जिसमें पूरे मुल्क के असातिज़ा, ख़ास तौर पे टीचर्स यूनियंस के जो नुमाइंदे हैं, उनको इस तरह इकट्ठा करना जो है वो शायद पहले ना हुआ हो। उस्ताद का बिल्कुल कोई इज्जत नहीं है। क्या पाकिस्तानी मुआशरे में उस्ताद को उसका असल मुकाम मिल रहा है? उस्ताद को अपना वकार खुद कायम रखना है, और वो वकार उसका वो इल्म है जिसकी बुनियाद पे वो उस्ताद कहला रहा है। इस दौर में कंप्यूटर नहीं है दिखाने के लिए, हम जस्ट पिक्चर में दिखाते हैं बच्चों को ये कंप्यूटर है। बदकिस्मती है कि इस मुआशरे में डॉक्टर के लिए, सीएसपी के लिए एक तरबियत का निज़ाम मौजूद है, लेकिन एक उस्ताद के लिए कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं। खुदा की कसम, आज भी उस्ताद जो है वो पढ़ा रहा है, उस्ताद के मसाइल को कोई नहीं समझ रहा। हम पाकिस्तान के असातिज़ा इन मकासद के हुसूल की खातिर असासी इकदार और अमली इकदामात पर मुत्तफिक हैं और इसे मिसाक इल्म का नाम देते हैं। हम पाकिस्तान के असातिज़ा आज इनफरादी और इज्तिमाई हैसियत में इकट्ठे हुए हैं कि पाकिस्तान को ख्वानदा और तालीम याफ्ता बनाना है। पाकिस्तान के बच्चों को ऐसे जिद्दत पसंद असातिज़ा की ज़रूरत है जो न सिर्फ मयार तालीम फराहम कर सकें बल्कि जिनका शुमार मेहनत, लगन और पाबंदी और वक्त हो। असातिज़ा सबसे मुकद्दस पेशा है। इस मुल्क को बनाने के लिए अपनी यूनियन से सियासतदान, अपनी यूनियन से बालातर हों, उस्ताद अपनी यूनियन से बालातर हों, और सिर्फ और सिर्फ और खालिस मेरिट की बुनियाद के ऊपर, कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर, परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर अगर हम फैसले करेंगे तो ये मुल्क आगे चलेगा। एहसन साहब, उसातिज़ा आपको कुछ पेश करना चाहते हैं, अगर हम बीच में आ जाएं और सारे उसातिज़ा इकट्ठे जो है आ जाएं, ये मिसाक इल्म साइंड कॉपी है। सबको बहुत मुबारक हो। ये हुकूमत उन उसातिज़ा के लिए ऐसे प्रोग्राम शुरू करेगी और कर रही है और तैयार कर रही है कि वो सरकारी अहलकार जो कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं उनको इनाम मिलना चाहिए। हत्तुल वसा आप कोशिश करें कि सियासत से और सियासों से अपने आप को दूर रखें, आपकी और कौम की इसी में बेहतरी होगी। मैं सियासत से ताल्लुक रखता हूँ, इसलिए मैं किसी सियासी चीज को बुरा नहीं समझता, लेकिन अगर सियासत की बुनियाद पर मैं एक ऐसे शोबे में सलाहियत को मार रहा हूँ कि जहाँ सलाहियत को खत्म करना, जहाँ मयार को और मेरिट को खत्म करना, दरहकीकत आइंदा आने वाली नस्लों के साथ ज्यादती करना, तो हाल में फिर इस ज्यादती को रोकना चाहिए। इस पूरे तालीमी निज़ाम की इस्लाह असातिज़ा की भी तरबियत के बगैर हो नहीं सकती। मुझे मेरे असातिज़ा ही ने लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने असातिज़ा की वजह से हूँ। क्या वजह है कि मगरबी ममालिक में तो उस्ताद को गैर मामूली इज्जत और एहतराम हासिल है, लेकिन पाकिस्तान में असातिज़ा की ये हालत क्यों है? ना रियासत वो रियासत रही, ना असातिज़ा वो असातिज़ा रहे, उसकी वजह से वो सारा इनितात है जो आज हम देख रहे हैं। हर चीज़ को हमने जिनसे बाजार बना के रख दिया है। मैं ये समझता हूँ कि आपके इस मिसाक में एक बड़ी अहम चीज़ होनी चाहिए, और वो ये है कि आपने सब बातें की हैं कि टीचर को स्टूडेंट के लिए कैसा होना चाहिए और एक गवर्नमेंट को टीचर के लिए कैसा होना चाहिए, मगर एक टीचर टीचिंग जो है हमारे यहाँ एक ऐसा पेशा नहीं है जिसको लोग तरजीह के तौर पर अपनाएं। इस मुल्क में हमारी बदकिस्मत ये है, आज तक हम जो हैं कोई पॉलिसी कोई लाइन में नहीं बना सके। जो गवर्नमेंट आती है अपनी पॉलिसी बनाती है फिर चली जाती है। उनकी सारी खराबियों की वजह से सारा निज़ाम तालीम पूरे मुल्क के अंदर बदनाम हुआ है। हुआ यह है कि तालीम, उस्ताद और निसाब तीनों सियासत के हाशिया बरदार हो गए। तालीम का काम आपकी बदौलत रास्ता दिखाना है, तो अगर रहबर ही मखबूतुल हवास हो जाएंगे तो फिर अंजाम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उस्ताद की अहमियत मुसलमा है, उस्ताद को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। असातिज़ा की इज्जत, असातिज़ा के हकूक, बच्चों की बेहतर तालीम, तो स्कूलों का मायार और मुल्क में ओवरऑल जो सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए मिलजुल कर कमियों कोताहियों को निशान एक दूसरे की निशानदही करते हुए लेकिन साथ साथ चलते हुए इसको बेहतर करेंगे। ये जो आज मीसाक सुबह जिस पे बात हुई, उस मीसाक में सर्विस रूल्स के बारे में,
क्लैरिटी के भाई करियर प्रोग्रेशन क्या है, करियर यानी किधर से किधर जाएगा, निज़ाम तालीम, ज़बान पे, टीचर्स की जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हैं उन पे, इन तमाम पे उस मीसाक में शिकें मौजूद हैं। अलिफ एलान इस पे ना सिर्फ नज़र रखेगा बल्कि हकूमतों से बाकी स्टेक होल्डर्स पे इस पे बात भी करेगा, इस पे उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि इन चीज़ों को हमें एड्रेस करना है। आपके हाथों में ज़िंदगी है, मुस्तकबिल है, कामयाबी है, खुशहाली है, आपके हाथों में ज़िंदगी है पाकिस्तान की, और आपके हाथों में ज़िंदगी है खुद आपकी अपनी और उन प्यारों की जो आपके साथ वाबस्ता है। मेरी आपसे गुजारिश है इसका ख्याल रखिए।